बस एक बार इस ग्रेवी का कलर, टेक्सचर, मतलब बहुत कम मसालों के साथ में, वैसे छोले बहुत ज़्यादा चटपटे बनते हैं, मैंने कम मसालों के साथ में इतना टेस्टी बना के तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं सबसे आसान छोले और उसके साथ में ज़ीरा राइस। तो चलिए फिर, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5-6 घंटे पहले 1 कप छोलों को या काबुली चनों को भिगो के रख दिया था। अभी उसमें थोड़ा सा बॉईल लाएंगे, तो मैंने कुकर में डाल दिया है। इसमें मैं डालूँगी लगभग 1 कप पानी और आधा चम्मच नमक। अपने काबुली चनों को मैंने कुकर में रख दिया है और इसमें मैं लगाऊंगी उतनी सीटियां जब तक ये 90% कुक ना हो जाए, 80-90%। तो इसमें लगभग मैं 6 से 7 सीटियां लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे छोले बॉईल हो गए हैं अच्छे से, और यहाँ पे मैंने एक और कुकर रखा है जिसमें हम इसकी मतलब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत झटपट बन जाएगा। और एक तरफ मैंने चावल भिगो दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल भिगो दिए हैं। ये मेरे 1.5 कप चावल हैं, इन्हें मैंने मतलब लगभग हो गया है 15 मिनट भिगोए हुए जब से मेरे छोले बॉईल हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग। ऑयल मेरे हीट हो चुका है, 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल डाला है सरसों का। थोड़ी सी मैंने डाली है हींग। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ज़ीरा, तो लगभग मैंने आधा चम्मच के जितना ज़ीरा डाला है। 2 सूखी लाल मिर्च, छोटे छोटे टुकड़े जावित्री के, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची। बस इतना डालूंगी, आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा हर खाना हल्का ही बनाती हूँ, मतलब टेस्ट भी हो और बहुत ज़्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम भी ना हो। इसमें मैं डालूंगी अभी लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और करी पत्ता। कम से कम 2 मिनट इन्हें फ्राई होने देते हैं। चलिए अब इसमें प्याज डालते हैं। तो ये मेरे 2 बड़े साइज के प्याजों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। फ्लेम करते हैं मीडियम हाई, अभी लो मीडियम था। और जल्दी से प्याजों को भी भून लेते हैं हल्का हल्का ब्राउन कलर आने तक। जलने नहीं देंगे, अगर ज़्यादा हीट होगी तो हम कम कर लेंगे। 2-3 मिनट प्याज़ों को भून लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज़ों ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 से 3, और इन्हें मैंने बड़े बड़े चंक्स टाइप में कट किया है क्योंकि ये बाद में मैशी हो जाएंगे। मैं इन्हें मैशी कर दूंगी और इनका छिकल भी हटा लूंगी। बस आप लोग देखते जाइए। इसी के साथ में मैं डालूंगी कुछ मसाले। गरम मसाला अब नहीं डालूंगी। मैंने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/3 टीस्पून मेरा हल्दी पाउडर है। क्योंकि नमक मैंने छोलों को बॉईल करने में भी डाला है, इस वजह से मैं अभी कम डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सारी चीज़ों को। बस 1 मिनट तक हमें टमाटर और मसालों के साथ भूनना है। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें सीटी लगाएंगे। पहले हो चुकी है 1.5 मिनट तक। अभी मैं इसमें लगभग आधा कप मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। सीटियाँ लगाने का कारण, जो मैंने लहसुन साबुत डाला है टमाटर से बड़े बड़े, तो ये आधा कप पानी उनको गला देगा और सॉफ्ट कर देगा, और बाद में हम इसको अच्छे से भून भी लेंगे। तो अच्छे से 3 सीटियाँ लगवाने के बाद जब प्रेशर डाउन हुआ, तो मैंने अभी कुकर खोला है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सब कुछ सॉफ्ट हो गया है। टमाटरों की स्किन मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद में इसको अच्छा सा भुनाई भी कर लूँगी, एकदम मैशी मैशी कर लूँगी मसाला। ऐसे देखिए बहुत अच्छे से मैंने टमाटर की स्किन निकाल ली है, मैशी भी कर लिया है और लहसुन वगैरह भी मैंने मैश कर लिया है क्योंकि वो हमने साबुत डाला था। प्याज तो छोटी छोटी थी। अभी इसमें मैं डालूँगी, मेरे पास 1/2 कप जितना दही है, तो वो हम ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से फेंट लेंगे। फ्लेम एकदम लो रखेंगे, तो लो फ्लेम पे हम जल्दी जल्दी चलाएंगे जिससे हमारा दही बहुत ज़्यादा फट ना पाए और हमारी ग्रेवी स्मूथ रहे। अभी दही के साथ भी हम इसको भून लेंगे 4-5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे।
जब तक एकदम दही से ऑयल ना छूटने लगे और मसाला सारा अच्छे से भुनसा ना जाए। ये देखिए अच्छे से 4-5 मिनट हो चुका है, इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने भुना है, दही भी अच्छे से भुन गया है और साइड से ऑयल भी छूट रहा है। अब बारी है हमारे इसमें छोले ऐड करने की। तो मैंने वैसे ही कुकर में पानी के साथ उनको रखा हुआ है, काफ़ी हद तक वो गले हुए भी हैं। अब आपके ऊपर है आपको कितनी ग्रेवी पसंद है। जैसे कि मैं जीरा राइस के साथ इसको खाने वाली हूँ, तो हल्का सा लिपटा सा ही मैं रखूँगी, हल्का सा पानी मैं डालूंगी अभी इसमें। तो बस अब फ्रेंड्स इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल आने दूंगी। हमारा छोला गला हुआ है, हमें फिर से सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मसाला भी भुन गया है। बस 10 मिनट इसमें अच्छे से जो हमने पानी ऐड किया है उसकी अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बन जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से 10-12 मिनट मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पका लिया है। मेरे एकदम छोले तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं हमारे ज़ीरा राइस की तरफ। हाँ, कुकर में मैंने अपने चावल डाल लिए हैं, मेरे 1.5 कप चावल थे और उसको मैंने लगभग आधा घंटा तक भिगो लिया है। इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, या ना चाहें तो ना डालें, लेकिन थोड़ा सा पहले तड़का लगा के मैं नहीं बना रही हूँ। मैं ऐसे ही डायरेक्ट जल्दी से आपको बता रही हूँ कि जल्दी वाला आप कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। बहुत थोड़ा सा मैं डालूँगी सॉल्ट, लगभग आधा टीस्पून जितना, और इसमें मैं थोड़े थोड़े से मसाले डाल दूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। अब डालेंगे पानी, सब कुछ जल्दी जल्दी डाल के मिला देंगे और हमारे जीरा राइस झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने क्योंकि मैंने अच्छे से भिगो दिया है, तो मैंने लगभग 2 कप जितना ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इसी में ये खिले खिले बन जाएंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और मेरे चावल 3 सीटियों में पकेंगे। आपके जितनी सीटियों में पकें आप उतनी लगाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिले खिले से ज़ीरा राइस बनके तैयार हैं। ये देखिए आप लोग कितना खिला खिला एक एक दाना, एक एक चावल, और लग ही नहीं रहा है कि हमने तड़का देके नहीं बनाया है। साथ ही में मेरे मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाने वाले एकदम बढ़िया से छोले भी तैयार हैं, चावल भी तैयार हैं। चलिए इसी तरह से आप लोग भी बना के देखिएगा। देखा आपने कितनी जल्दी और झटपट बन गया दोनों चीज़ें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।